उमरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के साथ संवाद को प्रसारित किया गया, जिसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंची आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश और किसानों का विकास कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया, जिसका प्रसारण पूरे प्रदेश के जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में किया गया। उमरिया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह सम्मिलित हुई और किसानों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया। इस दौरान मीना सिंह ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को समृद्ध बनाने की बात दोहराई और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को देश का विकास रास नहीं आ रहा है, कांग्रेस जनहितैषी योजनाओं का विरोध करती है। जो किसान सुधार अधिनियम के बारे में जो हमारे विपक्ष के लोग जो अफवाह फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो आज माननीय मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने विस्तृत चर्चा की। जैसा कि आप सबने सुना है कि किसानों की सुविधा के लिए हमारी देश की सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और जिससे हमारा किसान मजबूत हो रहा है और आत्मनिर्भर की ओर वो अग्रसर है। और यही चीज हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को रास नहीं आ रहा है कि मोदी जी ये सब कैसे काम बड़े सहूलियत ढंग से कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी है। और इस तरह से कांग्रेस षड्यंत्र रचती रहती है, पर उनके षड्यंत्र कभी हम बढ़ने नहीं देंगे और मोदी जी की अगुवाई में तो वैसे भी नहीं बढ़ेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।